नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका तेजस्वी यादव पर तंज कसने वालों की जुबान अब बंद हो गई, क्योंकि बीते रात तेजस्वी यादव स्पेशल परमिशन लेकर पटना राबड़ी आवास पहुंच गए। अब चुप्पी लगा दी है सत्ता पक्ष के लोग, और बड़ा मौका मिला हुआ था, क्योंकि तेजस्वी यादव पटना से बाहर थे और लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तो उन पर सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे कि चमकी बुखार में बाढ़ जल जमाव सहित इस कोरोना रूपी महामारी में वो विपक्ष के नेता होने के नाते बिहार में नहीं रहकर बाहर में रहते हैं, और बिहार से अधिक वो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं बिहार आते? तो लॉकडाउन के कारण वो फंसे हुए थे, लेकिन काफी सत्ता पक्ष के द्वारा छींटाकशी करने के बाद अंततः तेजस्वी यादव ने स्पेशल परमिशन लेकर, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, लॉकडाउन का पालन करना है, स्पेशल परमिशन लेकर वो पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचते ही तंज कसने वालों की जुबान बंद हो गई, चुप लगा दिए, और बड़े जोरदार तरीके से तेजस्वी ने अपनी बात रखना प्रारंभ किया। और तेजस्वी ने कहा कि उंगली उठाने वाले खुद पर उंगली उठाकर देख ले कि उनके गिरेवां में कितनी छेदे हैं, फिर दूसरे पर उंगली उठाए। एक तरफ PM मोदी ने लॉकडाउन लागू किया और लॉकडाउन में मैं दूसरे जगह फंस गया, अब सरकार के तरफ से छूट मिली है तो मैं स्पेशल परमिशन लेकर पटना पहुंच चुका हूं। तो यह बड़ी खबर निकल कर आई कि तेजस्वी यादव सारे विरोधियों के जुबान में ताला लगाते हुए पटना पहुंच चुके हैं, और पटना पहुंच कर उन्होंने यह दिखा दिया कि मैं देश के कानून का पालन करते हुए दूसरे जगह लॉकडाउन में फंसा हुआ था, और ढील मिलने के बाद स्पेशल परमिशन लेकर मैं बिहार आया हूँ। ना मैं भगौड़ा हूँ, ना मैं भागता हूँ, और छींटाकशी करने वाले पहले अपने गिरा में देख लें, फिर दूसरे पर उंगली उठाए तो ज़्यादा उचित होगी। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर था जो हमने आप तक पहुँचाया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।